दोस्तों ओम प्रकाश राजभर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए लोगों ने उनकी तस्वीर लगा करके उनकी तस्वीर पर माला लगाई है और मौन धारण किया है। आप आगे के इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से उनकी मूर्ति लगा करके तस्वीर लगा करके लोगों ने माल्यार्पण किया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया है। दोस्तों ये ओपी राजभर जो है अपने समाज के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं और वो कहते हैं कि जिधर वो जाएंगे उधर वो अपने समाज को मोड़ देंगे। उनका समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है और अपने समाज के ठेकेदार हैं। चाहे वो अपने समाज के लिए करें कुछ भी नहीं, चाहे अपने समाज का हाल चाल न पूछे, सुख दुख में न खड़े हों, लेकिन वो अपने समाज के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं। इसी को लेकर के उन्होंने 2022 में भी बहुत बड़ी घोषणाएं करी थी, बहुत बड़े बड़े शब्दों में बयानबाजी करी थी कि 2022 में योगी और मोदी का बाजा फाड़ देंगे और योगी को घंटा बजाने के लिए मंदिर में भेज देंगे और अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और ऐसा कुछ कर भी नहीं पाए। उनका लालच जागा और फिर वो दोबारा बीजेपी में भाग गए और अपने समाज को छोड़ गए। ये उनके समाज के लोगों ने ही, जो कि उनका नाम है ब्रजेश राजभर, उन्होंने दोस्तों उनकी तस्वीर लगा करके उनका चित्र लगा करके उन पर माल्यार्पण किया है। उन्होंने जो जो बोला है दोस्तों आप इस पूरा वीडियो में सुनेंगे किस प्रकार से उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो बोला है कि वो मर चुके हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है, वो अपने समाज के बहुत बड़े ठेकेदार थे, ठेकेदारी को निभा नहीं पाए और इसलिए उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए वो मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों देख लीजिए इस वीडियो में किस प्रकार से किया गया, पूरा वीडियो अवश्य देखें और लाइक शेयर करके अवश्य जाएं। प्रांगण में आज हमारे समाज के सबसे बड़ा ठेकेदार, सबसे बड़ा सौदागर, बहुत बड़े मसीहा आज हमारे बीच नहीं रहे। आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मर चुके हैं, उनकी आत्मा खत्म हो चुकी है, उनका जमीर जिंदा नहीं है। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं ब्रजेश राजभर सुरेंद्र स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज मैं इनको श्रद्धांजलि देने आज हम लोग आए हैं। हमारी पूरी टीम आई है और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से, कि इनके आत्मा को बहुत जल्दी शांति मिल जाए, क्योंकि आज ओम प्रकाश राजभर नहीं रहे। आज इन्होंने समाज के किए गए जितने वादे थे, समाज को दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर, डीएम, डिप्टी सीएम और 5 सीएम देने वाले हमारे नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। हमको आरक्षण दिलाने वाले, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने वाले, 69,000 शिक्षक भर्ती, स्वास्थ्य शिक्षा पे इतनी बड़ी लड़ाई, इतने बड़े मिशन पे काम करने वाले, योगी मोदी को गंगा में डुबो के मारने वाले, योगी जी को सरंगी लेकर के भीख मांगने की ट्रेनिंग देने वाले, दिलाने वाले, आज ओम प्रकाश राजभर हमारे बीच में नहीं रहे और आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो हमारे बीच नहीं है और इसके लिए मैं उनके आत्मा को शांति मिले ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, महाराजा सुहेल देव जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, जल्द से जल्द उनके आत्मा को ईश्वर शांति दे दे। बैठा भैया बहुत ना माला चढ़ूले कभी जरूरत ना हो, ईश्वर करे भाई आप लोग भी बारी बारी श्रद्धांजलि दे दीजिए, आप लोग भी दे दीजिए भैया। आज हमारे बीच के नेता नहीं रहे भाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मैं पूरे देश और पूरे विश्व में बैठे हुए इनके समर्थक बंधुओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी श्रद्धा